सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के डीएवी स्कूल के पास निवासी सुनील सिंह के निर्माणाधीन मकान में कार्य के दौरान 11,000 केवी के पार्शियन लाइन की चपेट में आने से राजमिस्त्री संतोष उर्फ बबलू वैश्य, पिता बालकराम वैश्य उम्र 26 वर्ष निवासी कानू हार्ड की मौत हो गई। घटना के समय मिस्त्री संतोष वैश्य मकान में प्लास्टर के लिए लोहे की रॉड से भाड़ा लगा रहा था कि अचानक लोहे की लंबी पाइप ऊपर से गुजरी लाइन से स्पर्श हो गई, जिस कारण विद्युत की चपेट में आकर संतोष वैश्य की मौत हो गई, जिससे थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा समझौता कर मृतक के परिवार को ठेकेदार एवं निर्माणाधीन बिल्डिंग मालिक के द्वारा 7,00,000 का चेक दिलाते हुए मामले को शांत किया गया। कारण से किस वजह से हुआ है? ये कनुहर के रहने वाले हैं सतीश कुमार वैश्य, इनके पिताजी का नाम बालक राम वैश्य है। ये मजदूरी का काम करते हैं, तो ये मजदूरी का काम करते समय अचानक बिजली की चपेट में आए और इनकी मौत हो गई है, जिसके संबंध में थाने में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। अभी पंचनामा कार्रवाई हो पाई है और शव परीक्षण कल के लिए निश्चित किया गया है। कितना बजे की घटना है ये? घटना लगभग 4 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली थी। क्या जब उसको करंट लगा तभी मौत हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाने के बाद मौत हुई? अब हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है, इसके बारे में विस्तृत डॉक्टरों से चर्चा के बाद ही बताया जा सकेगा कि मृत्यु कब हुई है।